नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में सोमवार 26 अक्टूबर को किंग्स इलेवन पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आमने सामने होंगी। लगातार 4 जीत से इंडियन प्रीमियर लीग प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए मजबूत दावेदार के रूप में उभरी किंग्स इलेवन पंजाब की टीम सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपना करिश्माई प्रदर्शन जारी रखने की कोशिश करेगी। किंग्स इलेवन पंजाब 11 मैचों में 5 जीत से 10 अंक है और टीम 5वें स्थान पर है, जबकि केकेआर के 12 अंक है और टीम 4थे स्थान पर है। पंजाब 1 जीत से टॉप 4 पर पहुंच जाएगी, जबकि केकेआर अगर जीत दर्ज करता है तो उसके 14 अंक हो जाएंगे और उसकी प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना और मजबूत हो जाएगी। किंग्स इलेवन की टीम शानदार फॉर्म में है। उसने लगातार 5 मैच गंवाने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराया, फिर चोटी की 2 टीमें मुंबई और दिल्ली कैपिटल्स को भी हराया। सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ पंजाब ने तो कमाल ही कर दिया था और सिर्फ 126 रन जैसे छोटे स्कोर का बचाव कर लिया था। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए हालांकि किंग्स इलेवन पंजाब को अपने बाकी 3 मैच जीतने होंगे। इस अहम मुकाबले में उम्मीद नहीं है कि पंजाब की टीम अपने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव करेगी, लेकिन पिछले मुकाबले में टीम की बल्लेबाजी नहीं चली थी और इसको लेकर राहुल को कुछ न कुछ सोचना तो पड़ेगा। ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला बिल्कुल नहीं चल रहा है, राहुल उनकी जगह पर जिमी नीशम को मौका दे सकते हैं। केएल राहुल और मयंक अग्रवाल शानदार फॉर्म में हैं। क्रिस गेल ने भी अच्छी फॉर्म दिखाई है। निकोलस पूरन ने मौकों पर अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि मयंक अग्रवाल घुटने की चोट के कारण सनराइजर्स के खिलाफ मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन केकेआर के खिलाफ उनके खेलने की पूरी उम्मीद है। केकेआर की टीम भी दिल्ली कैपिटल्स की मजबूत टीम के खिलाफ जीत से उत्साहित है और अपने विजय अभियान को बरकरार रखने के लिए बेताब होगी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 8 विकेट से करारी शिकस्त के बाद 2 बार की चैंपियन ने अपना प्रदर्शन सुधारा और दिल्ली को 59 रनों से हराया था। नीतीश राणा को सलामी बल्लेबाज के रूप में उतारा गया, जो कि सफल फैसला रहा। इसके अलावा सुनील नारायण की वापसी भी शानदार रही थी। लेग स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने इसके बाद दिल्ली के मध्यक्रम को तहस नहस कर दिया था। उन्होंने मुकाबले में 5 विकेट लिए थे। केकेआर को अगर अपना विजय अभियान जारी रखना है तो उसके बल्लेबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा। चलिए नजर डालते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर। किंग्स इलेवन पंजाब की संभावित प्लेइंग 11: केएल राहुल, क्रिस गेल, निकोलस पूरन, ग्लेन मैक्सवेल, मनदीप सिंह, दीपक हुड्डा, क्रिस जॉर्डन, मुरुगन अश्विन, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई और मोहम्मद शमी। इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11: एन मॉर्गन, राहुल त्रिपाठी, दिनेश कार्तिक, शुभमन गिल, नीतीश राणा, सुनील नारायण, पैट कमिंस, कमलेश नागरकोटी, वरुण चक्रवर्ती, प्रसिद्ध कृष्णा और लॉकी फर्ग्यूसन। तो ये है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। आपको क्या लगता है, इस बारे में अपनी राय हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।